सो so, uh, हमने प्रीवियस टॉपिक में uh, दीवारें खड़ी कर ली हैं डोर्स uh, हमने प्लेस कर लिए हैं विंडोज प्लेस करना हमने सीख लिए हैं सारे प्लेस आल दो हमने नहीं किए uh, क्योंकि कुछ आपने खुद करने हैं लेकिन हमने मेथड लर्न कर लिया है आउट टू प्लेस विंडोज़ क्रिएट स्पेसिस तो अब हम फॉर्मली जिस घर को हम आल दो अभी उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन और हो सकती हैं उसकी छत बनाना भी सीख लेते हैं कि किस तरह थ्री डी एस मैक्स के अंदर हम रूफ़ जो है वो नॉर्मली डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर एक दो मैं आपको ऑप्शन भी बता दूंगा कि स्मूथ अगर आपने कर्व्स कभी कर्वी रूफ भी हो सकती हैं अक्सर टेरिस जब आप हमारा इन्वॉल्व हो जाता है सो तो हमने उसको कैसे करना है और उसके बाद उसकी हाइट कैसे एडजस्ट करनी है और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट है आज इसको हम पैरापिट वॉल कह रहे होते हैं नॉर्मली अगर हमारा सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घरों के ऊपर हम कोई टू फीट या रूल्स कहते हैं टू फीट सिक्स इंचेस की वॉल लगाते हैं जिसके अंदर नॉर्मली हम बैठे होते हैं अपने घर की छत पर तो प्रोटेक्शन के लिए भी होती है तो वो लगाना भी सीख लेंगे और फिर हम रूफ़ की सेटिंग्स भी देख लेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शनस यहाँ पर जो है हमारे पास मौजूद हैं सो बढ़ते हैं हम अपनी उसी ड्राइंग की तरफ जिसको हम पहले वर्क करें ताकि हम रूफ डिज़ाइनिंग इन थ्री मैक्स सीख सकें तो so, ये हमारे पास ये हमने अभी आ, कुछ डोर्स और विंडोज़ वगैरह प्लेस किए हैं अभी आल तो सारी प्लेस नहीं की सो so, क्योंकि अगेन अभी ये लग रहा है कि ये कुछ किसी एयर में है हवा में है सो so, प्लेन ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्टैंडर्ड प्रटि में से ही जहाँ पर हमने पहले ड्रा किए थे ऑब्जेक्ट सो so, हम एक प्लेन ड्रा कर लेते हैं ताकि आसानी से हमें कुछ थोड़ा सा सरफेस हमें ऐसे लगे और हमने प्लेन ड्रा की इसके बाद अगेन सिलेक्शन टूल में से हम इसे सेलेक्ट करके और डब्ल्यू प्रेस करके चेक कर लेते हैं कि ये ज़ीरो ज़ीरो पे है और ऑलरेडी हमारा हाउस भी ज़ीरो पे है तो ये हाउस और प्लेन जो है ये जो सरफेस है ये आपस में एडजस्ट हो चुके हैं एग्जैक्ट आप नोट करें तो अब ये ज़रा आसानी से इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं अगेन ये हमारे पास ऑप्शन हैं सो जब भी हमने आ, रूफ लगानी है तो हम आर डब्ल्यू प्रेस करके टॉप वायर फ्रेम व्यू में जाते हैं क्योंकि हमारे लिए आसानी होगी यहाँ से लगाना अब यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद पहले हम ज्योमेट्री में थे ज्योमेट्री से ही हमने सारी चीज़ें लगा रहे थे अब हमने क्लिक करना है शेप्स के ऊपर और यहाँ पे लाइन की ऑप्शन और भी बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं तो यहाँ से हम लाइन की जो है वो कमांड को पिक करेंगे और फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिस वन और क्विकली uh, हम uh, जो है वो सेकंड कॉर्नर पॉइंट पिक कर लेते हैं दैट इज़ दिस वन नीचे हम आ जाते हैं अब ये क्योंकि हमारा यहाँ पे कोर्ट यार्ड है सेहन है तो हम यहाँ तक छत रहेगी छत बना रहे हैं हम तो ये वाली क्लिक कर लेते हैं हम और नेक्स्ट uh, हमारी क्लिक जो है वो डेफिनेटली uh, ये वाली हो जाएगी अब हम आगे आ जाते हैं क्योंकि ये भी हम अगर हम इसको ओपन रखना चाह रहे हैं तो ओपन हो जाएगी और अगर हम चाह रहे हैं कि नई सपोज यहाँ से ले कर हम जो है ये वाली क्लिक कर लेते हैं इधर और हम समझते हैं कि ये हमारा यहाँ पे क्योंकि टेरेस कार पोर्च बनना है तो वो भी छत होनी चाहिए सो ये और एंड पॉइंट जो है हम दोबारा सेम अपनी लाइन के ऊपर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम एंड करेंगे अब ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे हम एंड करेंगे लाजमी एक मैसेज आता है जो दैट इज़ एस पी लाइन क्योंकि कैड uh, की लाइन के अंदर ये मैसेज नहीं आता था एंड हम जैसे एंड करते थे हो जाती थी ये लाजमी मैसेज आना और आपने येस के ऊपर लाजमी क्लिक करना है तभी ये हमारी पोलीगॉन जाके बनेगी आगे तो यहाँ से हम इसे कहा लेते हैं यस अब ये हमारी जो है वो लाइन यहाँ पे ड्रा हो चुकी है ये जैसे नज़र आ रही है हम इसको अगर यहाँ से क्लिक करें सो वी कैन सी कि ये हमारी पोलीगॉन क्योंकि बन चुकी है ये हम इसको सेलेक्ट करें और हमने एक्सट्रूड किया यहाँ से इसको और हाइट दे दी वन फीट की दैट इज़ ओके क्योंकि रूफ़ की हाइट वन फीट ही होती है अब हमने दोबारा अगर इसको देखना है सो so selection टूल ऑन रख के हम दोबारा रियलिस्टिक व्यू में जाते हैं और हम चेक करते हैं आप नोट करें रूफ़ ड्रा हो चुकी है लेकिन अभी ये रूफ़ नहीं है फ्लोर बन चुक बनी हुई है क्योंकि ये नीचे आप देखें ग्राउंड में पड़ी है सो आल वी नीड टू डू इज हमने सिंपल इसकी हाइट को चेंज करना है और इससे पहले हम ये पोलीगॉन को यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं और सिंपली हम इसको सिलेक्ट करते हैं ये आप नोट करें ये सिलेक्ट हो चुका है एक्सेज हम ऑन कर लेते हैं और हमने ये ग्यारह फीट हाइट रखी थी इस घर की तो हम इसको भी 11 फीट जो है वो आ, इसको हम हाइट दे देते हैं यहाँ से ये सिलेक्टेड है और इलेवन फीट हम हाइट दें तो अब आप नोट करें तो ख़ुद ब खुद बखुद जो है ये छत आपकी प्लेस हो चुकी है और ये नज़र आ रही है आपको आपके व्यू के अंदर अब यहाँ पे अभी ये बिल्कुल प्लेन और बड़ी सिंपल हमने रूफ बनाई है अभी क्विकली मैं आपको पैरापेट वॉल बनाने के बाद थोड़ा सा स्मूथ कर्व के बारे में भी बता देता हूँ अगर हमने कभी छत बनानी हो जिसमें स्मूथनेस आ रही हो अक्सर और बेशतर हम जब घरों में जाते हैं तो कर्व आ रहा होता है छत के अंदर सो हम वो वाली ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रहते हैं एक दो कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है बाकी आप एक्सप्लोर करते रहेंगे अब नॉर्मली होता ही है कि सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि यही हमारा घर है सिंगल स्टोरी भी डबल स्टोरी भी हो सकता है और ये ऊपर पैरापेट वॉल बनानी है हमने ये छत है और छत के ऊपर हम चाह रहे हैं कि कोई छोटी सी वॉल टाइप बना लें उसके लिए जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद है हम यहाँ से छत को ये आप नोट करें तो छत सेलेक्ट कर लेंगे हम ये हमारे पास रूफ जो है वो सिलेक्टेड है इसके बाद हमारे पास एक्सट्रूड जहाँ पे हमने कमांड अप्लाई की थी उसी के साथ हमारे पास हम यहाँ से ये पोलीगॉन सेलेक्ट कर लेते हैं ये हमारे पास ऑप्शन हैं इनसेट का ये इनसेट की कमांड हम अप्लाई करते हैं आप नोट करें इसी कमांड से और हम वन फीट अब ये करेगा क्या इनसेट मतलब आप ये कॉर्नर से अंदर की जाने बगर कुछ बनाना चाह रहे हैं सपोज ये मैं वन फीट रख के ओके करता हूँ तो अब आप नोट करें तो क्या हुआ है कि उसने वन फीट का इनसेट दे दिया है छत के बाहरी का जो किनारे हैं वो दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं पोलीगॉन को हम सेलेक्ट करते हुए और यहाँ से ये पोलीगॉन का ऑप्शन है आप पिक कर लें इसको और कंट्रोल प्रेस करके कर रखें ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं हम ये वाली दिस वन दिस वन एंड दिस वन अब ये मैंने क्या किया है इनसेट किया है सिंपल ये इनसेट की कमांड मौजूद है दिस वन वन फीट अंदर इनसेट हुआ है ये सिलेक्ट कर लिए और इस इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं इसको सपोज हम आ, टू फीट करके देख लेते हैं अगेन तो अब आप नोट करें तो ये हुआ क्या है ये आपकी पैरापिट फॉल जो है वो छत के ऊपर बन गई है Uh, अब इसके अंदर हम मटेरियल चेंज कर सकते हैं हम कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह इनसेट की कमांड को हम अप्लाई करते हैं क्या किया था हमने सिंपल सारी रूफ को सिलेक्ट करने के बाद ये इनसेट की कमांड थी वन फीट का इनसेट दिया तो उसने अंदर की जाने और उसी को हमने एक्सट्रूड कर दिया अब ये तो हमारे पास था सिंपलेस्ट ऑप्शन अब आर डब्ल्यू करके क्विकली हम आ, मैं बाहर इस इस छत के बाहर एक आपको एक और छत सपोज हमने छत लगानी हो अगेन हम सेम लाइन में आते हैं और छत कुछ इस तरह की है फर्ज़ करें ये मेरे पास सेम जा रही है ये ऐसे ही है बट यहाँ पे जो है मेरे पास कोई कर्व है स्पोज़ ये कर्व है ऐसे ही करवा रहा है और मैंने कर्व के अंदर छत लगानी है तो यहाँ पे कौन सी कमांड लगाते हैं हम यहाँ पे जो है इसको कंक्लूड इसको कर लेते हैं यहाँ पे सपोज ये कर्व है तो जब भी कर्व छत के अंदर इन्वॉल्व होगा सबसे पहले आपने करना है इसको सिलेक्ट जिस तरह ये सिलेक्टेड है हम z एक्सिस को भी ऑन कर लेते हैं सो so, ये हमारे पास जो है वो इस टाइम मौजूद है इस पर हम राइट क्लिक करें सो so, सबसे पहले हमारे पास रिफाइन की ऑप्शन मौजूद है अगर हम समझते हैं कि अभी पॉइंट्स कम है या आपने देखें पॉइंट्स आ चुके हैं सबसे पहले क्या करना है स्केप का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ इसके क्लिक करने के बाद राइट क्लिक और रिफ़ाइन पे आना है रिफ़ाइन आपके नए पॉइंट्स भी लगा सकता है सपोज आप समझते हैं कि एक और पॉइंट चाहिए मैंने और इसको स्मूथ करना है या भी राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ, कमांड आ, ये रिफाइन हमने लगा लिया सपोज मैं एक दो पॉइंट इसके ऊपर और लगा लेता हूँ ये भी लगा लेते हैं और ये भी लगा लेते हैं और अब जो है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये है कमांड आ, बिजायर कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है ये क्या करेगी ये स्मूथ करेगी हमारे कॉर्नर्स को सपोज मुझे लगता है कि ये मेरा जो पॉइंट है इसको मैंने थोड़ा सा अंदर या बाहर की जाने ले कर जाना है तो आप वो कर सकते हैं फिर हम इस पर आ जाते हैं इसको भी अगर आपने अंदर या बाहर की जाने पर लेके जाना है ये इसको कर लेते हैं इसको भी अंदर तो ये कमांड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों रिफाइन रिफाइन क्या करती है कि आपके पास आप अगर पॉइंट्स वर्टिक्स बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आपकी और स्मूथनेस बढ़ जाए वर्टिक्स बढ़ा लें और बिजायर कमांड क्या करेगी उन वर्टिक्स को स्मूथ करेगी अक्सर स्मूथ नॉट जस्ट ओनली रूफ कई कोई भी और ऑब्जेक्ट आपको करना पड़ सकता है थ्री डी एस मैक्स लाइन की कमांड के अंदर तो बिजायर और रिफाइन दो इसके अलावा और ऑप्शन भी हैं बट मेनली ये दो कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको मेथड बता दिया है कि लाइन आपने जब भी ड्रा कर लेनी है लाइन ड्रा करने के बाद सबसे पहले क्या करना है राइट right क्लिक और रिफाइन कमांड को ऑपरेट करना है और कोई भी क्लिक करके इसके बाद आप राइट right क्लिक करके बिजायर कमांड एक्सेज ऑन कर लें जहाँ जहाँ पर आपने क्लिक की हुई है वहाँ वहाँ से आप ईजीली जो है यहाँ पर अगर क्लिक करके सो आप अपनी रूफ को जो है वो जितना स्मूथ बनाना चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं लाइक दिस वन तो दिस इज़ हाउ हम जो है वो थ्री डी एस मैक्स के अंदर रूफ डिज़ाइन करते हैं तो so इस टॉपिक के अंदर हमने छत uh, लगाना भी सीख ली आल दो हमारी uh, रूफ़ बड़ी सिंपलेस टाइप की हमने रूफ़ लगाई है बट अगेन आपको मेथड्स पता चल गया है लाइन लगानी है और लाइन लगा के उसी को हमने एडिटेबल पोली में कन्वर्ट किया और हाइट दे दी और उसको उसके एक्सेस से उसको जो है वो नीचे से हमने उठा के जहाँ पे भी प्लेस करना है अबव करना है तो अबव दे देंगे बिलो करना है नेगेटिव में देंगे तो ये एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे अब हमारी रूफ़ पड़ी थी तो हमने पॉजिटिव गहरा दिया ना तो उसने पॉजिटिव एक्सेस में ऊपर लेकर आया नेगेटिव में देते तो ये प्लेन से नीचे प्लेन क्योंकि जीरो पर पड़ी है प्लेन से नीचे माइनस में जाएंगी चीज़ें ऊपर प्लस में आएंगी तो जैसे हमने गहरा दिया तो ख़ुद ब खुद वो फिक्स हो गई इसके अंदर हमने पैरापेट वॉल लगाई और भी बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने ओपन एंड वाइड हैं ऑप्शन पड़ी हैं मॉडिफाई छत रूफ़ को कर सकते हैं और मल्टीपल जितनी अच्छी कमांड्स आप ऑपरेट करते जाएंगे उतना अच्छा आपको थ्री मैक्स आता जाए